हाँ जी नमस्कार गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का क्या हाल चाल है सबके कैसे हैं आप लोग जल्दी जल्दी बता दो आज से नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और ये हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम पूरा बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक हाई लेवल तक लेकर जाएंगे अभी देखिए कई सारे एग्जाम्स आपके हैं जैसे अभी बैंकिंग के कई सारे एग्जाम्स आने वाले हैं रेलवे का एग्जाम आपका होने वाला है दिल्ली पुलिस का होने वाला है जेल प्रहरी का होने वाला है और मैथ्स की सबसे अच्छी बात यह है कि कॉमन Uh, सारे टॉपिक्स होते हैं जिसको आप हर एग्जाम में यूज कर सकते हो तो एकदम बेसिक से एकदम मजेदार तरीके से इसको हम पढ़ा, पढ़ना शुरू करेंगे और अगर आप पूरा चैप्टर मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और आपको पता है कि मैं हमेशा बिना फॉर्मूले के पढ़ाता हूं सिंपल ट्रिक्स और लॉजिक से हम पूरे क्वेश्चन uh, सारे करेंगे और बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा के लिए इस चैप्टर की फिनिश हो जाएगी ओके okay भाई गुड इवनिंग स्वागत सभी का सब लोग बढ़िया हैं हाँ जी मैं एकदम बढ़िया हूं आप बताओ कैसे हो सब लोग ठीक है चलो प्रॉफिट एंड लॉस कैसा लगता है वैसे आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो छोड़ भी नहीं सकते हैं और सीखने में भी दिक्कत देता है पर ऐसा है नहीं बेसिकली बहुत मजेदार बहुत सिंपल टॉपिक है मजा आएगा आपको इसको पढ़ के चलो बहुत अच्छे है नमस्ते भाई नमस्ते ठीक है मैं बीच बीच में आपके कमेंट्स भी देखते रहूंगा पर आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बातें पूछेंगे जैसे मैं अभी जो पढ़ाऊंगा आपको उससे जुड़े हुए प्रश्न आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो फिर थोड़ा सा हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे है ना और कोशिश कीजिए और ज्यादा लोगों को जोड़ने की बाकी फिर आपकी मर्जी है मेरा काम है पढ़ाना चलो भाई अच्छा लगता है प्रॉफिट एंड लॉस हाँ जी पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं बिल्कुल मैं अगर कोई टॉपिक शुरू करता हूं तो उसको कंप्लीट कराता ही हूं तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए डेली छ बजे आप टाइम फिक्स कर लीजिए रोज शाम को छह बजे हम लोग लाइव मिलने वाले हैं और यह टॉपिक हम पूरा कंटिन्यू करेंगे इसके आगे भी बहुत सारी चीजें मैं कराऊंगा अब यूट्यूब पे मेरी क्लासेस बढ़ेंगी और मैं आपको जो टॉपिक डिफिकल्ट है वो आपको सिखाऊंगा और प्रैक्टिस बहुत सारी मैं आपको करवाने वाला हूं ओके चलिए तो शुरुआत की जाए प्रॉफिट एंड लॉस की एक अच्छी सी इमेज अगर प्रॉफिट है तो हमारा ये रिएक्शन होता है और लॉस होता है तो ये रिएक्शन होता है ना चलो जस्ट जोक अपार्ट स्टार्ट करते हैं अच्छा एक अच्छी बात और आपको बता दूं मैं कि मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगा इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में है ना आपके सामने ही मैं पूरे नोट्स बनाऊंगा और आपको ये सब पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे क्लास खत्म होने के आधे एक घंटे बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप पर तो विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जस्ट क्लास खत्म होगी आधे से एक घंटे में आपको इसके नोट्स मिल जाए करेंगे पीडीएफ फॉर्म में तो आपको स्क्रीन लेने की जरूरत नहीं कुछ ज्यादा टेंशन नहीं मेरे पूरे हैंड रिटर्न नोट्स में आपको देने वाला हूं ठीक है तो पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी सो so, क्वेश्चंस पे हम चलेंगे पर क्वेश्चंस के पहले हम कंसेप्ट देखेंगे कुछ छोटी छोटी चीजें पहले समझेंगे फिर जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे हम बाकी चीजों को भी देखते जाएंगे हाँ जी डेली चलेगा बस आप लोग को रेगुलर रहना पड़ेगा मैं तो रेगुलर अब रहूंगा आप लोग को रेगुलर मेरे साथ रहना है ठीक है चलो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें तीन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना होगा सबसे पहला आपका होता है सीपी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्रय मूल्य दूसरा होता है एसपी एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य राइट और तीसरा हमारा होता है एम पी एमपी मतलब क्या होता है मार्क्ड प्राइस, इसके और भी कई सारे नाम है पर सबसे कॉमन इसका जो नाम है वो क्या है अंकित मूल्य है अच्छा और डिस्काउंट भी इसी चैप्टर में आता है ठीक है डिस्काउंट भी हम यहां पर पढ़ेंगे ठीक है देखो ये जो चैप्टर है हर एग्जाम आप भारत के किसी भी सरकारी नौकरी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो आपको प्रॉफिट एंड लॉस काम आना ही है तो इसको पढ़ने में सिर्फ प्रॉफिट है लॉस है ही नहीं ठीक है चलो हाँ, परसेंटेज का चार्ट भी मैं बताऊंगा परसेंटेज इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है परसेंटेज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अगर आपने नहीं देखा है तो परसेंटेज का एक बार लेक्चर आप मेरा पूरा पढ़ लेना छह से सात घंटे का लेक्चर है आपको परसेंटेज दोबारा कहीं से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा इतना एकदम पेड क्लास में हम लोग जो पढ़ाते हैं ना पूरा मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर उस पर डाला है आप परसेंटेज एक बार पढ़ना हमेशा का काम आपका परसेंटेज का खत्म हो जाएगा देखो एक बात आप समझना कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य इसमें एक चीज ये ध्यान रखें कि क्रय मूल्य ऑलवेज कॉस्ट प्राइस हमेशा पता है कितना परसेंट होता है हमेशा हंड्रेड परसेंट होता है ठीक है इसका मतलब क्या होता है किसी भी प्राइस पे आप जो भी चीज खरीदते हो आपने कोई भी चीज जितने रुपए की ली वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस होगा खरीदने वाला मूल्य और वो आपके लिए हमेशा हंड्रेड परसेंट होगा ठीक है अब आपने अगर प्रॉफिट लिया तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा लॉस हुआ तो उसका प्राइस कम हो जाएगा पर प्रॉफिट या लॉस शुरुआत में कोई भी चीज जो है उसकी प्राइस कितने परसेंट होगी हंड्रेड परसेंट होगी ठीक है अब मैं आपको एक बहुत काम की बात बताता हूं ध्यान रखिएगा प्रॉफिट और लॉस पता है इनके बीच में होता है लाभ या हानि की जब भी बात आती है प्रॉफिट या लॉस की जब भी बात आती है तो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखते हैं लेकिन जब इन दोनों की बात आती है तो यहां पे आपका कंसेप्ट पता है कौन सा वाला आता है डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है छूट मैं आपको भी एग्जाम्पल से बताऊंगा देखो सपोज करिए मैंने कोई चीज खरीदी जिसका प्राइस है हंड्रेड रुपीज मैंने कोई वस्तु खरीदी जिसका मूल्य कितना है सौ रुपए सो मेरे लिए तो वो सौ रुपए की चीज है ठीक है अब मैं इस पर अगर अब देखो आजकल का ट्रेंड क्या है ये जो डिस्काउंट है ना क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट से तो इंपॉर्टेंट है ही पर हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एक जमाना हुआ करता था जब डिस्काउंट साल भर में एक या दो बार बड़े त्योहार पे ऑफर आते थे आजकल आपने देखा होगा साल भर डिस्काउंट चलते कोई भी छोटा सा डे आया और डिस्काउंट और कुछ नहीं भी है तो भी सेल और डिस्काउंट चलता ही रहता है रीजन पता है क्या है रीजन है हम इंडियंस की आदत है ना हमें अब डिस्काउंट का चस्का लग गया है हमें अब डिस्काउंट की आदत लग गई है कि अगर किसी चीज पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा मतलब हम घाटे में हैं है ना तो कंपनीज जो है बड़ी बड़ी वो भी बड़ी समझदार हैं उन्हें पता है कि भारत में अगर आपको कोई सामान बेचना है तो डिस्काउंट देना पड़ेगा लेकिन भारतीय इतने खतरनाक हैं उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि चीज थी कितने की कि और मिल कितनी रही है उनको मतलब किस बात से उन्हें मतलब डिस्काउंट से छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं अगर कोई चीज हजार रुपए की है और मैं आपसे कहूंगा कि भाई आपके लिए ग्यारह सौ रुपए तो आप बोलोगे सर इतना महंगा थोड़ा कम तो करो हम तो रोज आपकी दुकान पे आते हैं हम तो बहुत सारे बच्चों को आपके कोचिंग में लेकर आते हैं तो आप बोलोगे कुछ डिस्काउंट दो है ना तो मैं आपसे बोलूंगा कि भाई मुझे हजार का पड़ा मैं तुम्हें ग्यारह में दे रहा हूं इसमें और क्या डिस्काउंट दो पर आपको तो डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझसे लड़ झकड़ के ये चीज एक हजार पचास में ले जाओगे बहुत ही ज्यादा आप एक्सपर्ट हो भावताव करने में तो एक हजार में ले जाओगे और अगर महिलाएं लड़कियां आ गई तो वो तो नौ में ही ले जाएंगी वो तो और खतरनाक होती इस मामले में ठीक है अब मुझे समझ में आया कि यार ये तो गलत बात है अब मैंने क्या करा मैंने मतलब का बता रहा हूं। मैं, मैं ऐसा नहीं करता हूं। अब अगर कोई एक हजार रुपए की वस्तु है तो पता है क्या करेंगे मैं उसको बोलूंगा कि भाई ये चीज पंद्रह सौ रुपए की है पर क्योंकि आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो तो आपके लिए ये तेरह सौ की आप बोलोगे सर बहुत बहुत धन्यवाद मजा आ गया बहुत सारा डिस्काउंट आपने दे दिया तो अब आप यहां से खुशी खुशी जाओगे क्योंकि आपको मतलब पता है इस हजार से से मतलब मतलब नहीं है आपको मतलब किस चीज कम कितना हुआ आप बोलोगे सर थोड़ा सा और और देख लो और अच्छा लगेगा मैं बोलूंगा बिल्कुल मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है मैं बोलूंगा ये लो बारह सौ में ले जाओ आप बोलोगे सर सही है अब हमेशा आपकी दुकान पर आएंगे समझ में आ रही है बात है ना तो हमें इस चीज की आदत है हम ये देखते हैं कि हमें कम कितना पड़ा हमारा हमें डिस्काउंट कितने का मिला इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज थी कितने की और हम लेके कितने की आए तो जब मैं ईमानदारी से 1100 में दे रहा था तो कोई भी नहीं ले रहा था फिर मैंने कहा कि ठीक है 1500 में और ये लो बारह रुपए का तो ये एक्चुअली दुकानों का ये कल्चर है मॉल्स में शॉपिंग मॉल्स में आप देखोगे ब्रांड्स का तो ये सिस्टम उनका चलता है, है ना तो ऐसे डिस्काउंट का कंसेप्ट आया तो अगर कोई चीज सौ रुपए की है ठीक है तो मैंने उसके ऊपर एक टैग लगाया अब हम वापस ये तो मजाक वाली बात थी ऐसा कुछ नहीं है मजाक वाली बात है तो सौ रुपए की चीज है मैंने उसके ऊपर एक टैग लगाया मैंने उसके ऊपर एक पर्ची चिपका दी और पर्ची चिपका के उसके ऊपर मैंने लिख दिया एक रुपए समझ में आ रहा है तो अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है किसी भी चीज के ऊपर जो मूल्य छपा हुआ होगा प्रिंटेड प्राइस अंकित मूल्य जो उसके ऊपर अंकित है उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे उसका मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य तो चीज सौ की है मैंने लिख दिया एक सौ पचास और अब मैं इस पर डिस्काउंट दूंगा तो डिस्काउंट देने के बाद इसी चीज को मान लो मैंने एक सौ बीस रुपए में बेचा समझ में आ रही बात चीज थी सौ की लिखा मैंने एक सौ पचास और डिस्काउंट के बाद बेचा कितने में एक सौ बीस में तो अब सुनना ये क्या है क्रय मूल्य है यह क्या है अंकित मूल्य है मार्ग प्राइस है और यह क्या है सेलिंग प्राइस है अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ यहां डिस्काउंट कितने रुपए का दिया ठीक है कितने रुपए का यहां कितने रुपए की छूट दी गई तो आप छूट के लिए इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे हाँ भाई डिस्काउंट कहां से निकालोगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही देखोगे ना तो आप बोलोगे सर यहां पे तीस रुपए का डिस्काउंट दिया गया है मतलब डिस्काउंट किन के बीच में देखा जाता है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में अच्छा फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ यहां प्रॉफिट कितने का हुआ तो अब आप इन दोनों के बीच देखोगे इन दोनों में कितने का डिफरेंस है बीस का तो हम बोलेंगे यहां प्रॉफिट कितने का हुआ बीस का हुआ ओके okay है ना समझ में आ रही बहुत बेसिक बात बता रहा हूं मैं ये एकदम बच्चों वाली चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ी है पर क्योंकि हम चैप्टर को एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो ये मुझे बताना जरूरी है ओके okay है तो प्रॉफिट या लॉस के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और डिस्काउंट के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस देते हैं और ये जो मार्क्ड प्राइस है अंकित मूल्य है ये बना ही डिस्काउंट के लिए है आगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर अभी थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है चिंता मत करना जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी ओके है तो ये ले लेते हैं अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा क्योंकि देखो आपसे मैंने कहा है कि मैं आपको फॉर्मूले से नहीं सिखाऊंगा और अगर किसी को फॉर्मूले से ही सीखना है तो उसको यूट्यूब की ज़रूरत ही नहीं है मार्केट से कोई भी किताब उठा लाओ उसमें ढेर सारे फॉर्मूले लिखे हैं उसको रट डालो है ना पर एक बात ध्यान रखना कि फॉर्मूले से आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है ना क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं और फॉर्मूले से केवल एक ही मतलब एक फॉर्मूला याद करोगे तो उससे एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा और अगर लॉजिक लगाना सीख गए एक बार दिमाग चलने लगा तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए कितना भी घुमा के दे दें क्वेश्चन कितना भी टफ बना के दे दें आपसे बन जाएगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा मत सोचना कि बस पंद्रह बीस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बहुत प्रकार के क्वेश्चन है ना अगर इसको एक महीना भी पढ़ाए ना तो भी इसके क्वेश्चंस खत्म ना हो इतने टाइप होते हैं पर इतना पढ़ाना पॉसिबल भी नहीं है इतना पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है तो फिर एक ही बात है और वो क्या है कि लॉजिक डेवलप करो है ना आपका जो स्कूल का एक्सपीरियंस है उससे मत कंपेयर करो है ना आप जब एक बार पढ़ने लगोगे ना इंटरेस्ट आएगा और आपको लगेगा कि वास्तव में फॉर्मुले से करना भी नहीं चाहिए ठीक है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूं इसको अच्छे से सुन लेना मैं आपको एक परसेंटेज का चार्ट बनाकर बता रहा हूं और ये परसेंटेज का चार्ट अभी बस देखते जाना ठीक है बिल्कुल चिंता मत करना कि ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं क्या है सब मैं आपको बताऊंगा बस एक बार ईमानदारी से आप बस मेरी चीजों को फॉलो करते चलो आपको अगर एंड में अच्छे से न क्वेश्चंस बनने लगे तो मुझसे बोलना है ना इसलिए आप पूरा मेरे ऊपर छोड़ दो और जैसा जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाना और वो वो चीजें आप बस समझते जाना ठीक है देखो आपको पता है कि कभी भी एग्जाम में ऐसे सिंपल परसेंटेज आजकल पूछे नहीं जाते दस परसेंट बीस परसेंट तीस परसेंट इनका जमाना गया है ना आजकल जो नया पैटर्न चल रहा है उसमें आपने देखे होंगे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हैं इसके बाद 12 वन तो आखिर इन सब सब का चक्कर क्या क्या है ये सब क्या होते है? वो मैं आपको समझा रहा हूं और ये यहां कैसे काम आएंगे उसको मैं समझा रहा हूं ठीक है अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अच्छे से करना है तो दो चैप्टर्स का बेसिक पता होना चाहिए परसेंटेज और रेशो अनुपात और प्रतिशत प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में कुछ नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में दो दो चैप्टर्स चैप्टर्स का का मिक्सचर है, है। मिश्रण पहला प्रतिशत और दूसरा अनुपात और आप देखना हर जगह यही कंसेप्ट लगेंगे और बहुत आसान है अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है तो भी आपसे बनने लगेगा देखो भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है परसेंटेज का मतलब होता है सौ ठीक है और प्रतिशत मतलब सौ हो गया अनुपात का बेस हमेशा क्या होता है एक और हम पूरे टेक्निक वही लगाएंगे तो आप एक बात याद रखना कि कभी भी एक लिखा हुआ है अगर मेरे पास कोई एक चीज है तो वो अपने आप में हंड्रेड परसेंट है ठीक है अगर मेरे पास एक चीज है तो वो अपने आप में क्या है हंड्रेड परसेंट है अगर मैंने किसी चीज के दो भाग करे मैंने किसी चीज को दो भागों में बांटा मतलब मैंने उसको कितने कितने परसेंट कर दिए अगर एक चीज को दो भागों में बांटोगे तो 50 50 परसेंट ही तो होगा अगर किसी चीज को तीन भागों में बांटोगे तो वो कहलाएगा आपका 33 थ्री बाई थ्री परसेंट चार भागों में बांटोगे तो वो कहलाएगा आपका 25 परसेंट पांच भागों में बांटोगे तो वो कहलाएगा 20 परसेंट ठीक है आपको मैं अभी थोड़ा सा चलो बता देता हूं कि इनका यूज क्या है फिर आपको और इंटरेस्ट आएगा मैंने आपसे कहा कि किसी चीज को बेचने पर मैंने 33 सही एक बटे तीन प्रतिशत लाभ कमाया है ना 33 थ्री वन बाई थ्री परसेंट प्रॉफिट तैतीस सही एक बटे तीन प्रतिशत मैंने लाभ कमाया इसका मतलब क्या है है ना बस सुन लो फिर आगे क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आएगा आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है एक बटे तीन ठीक और आपको अब यह पता होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य होगी और ऊपर वाली वैल्यू उसका प्रॉफिट या लॉस होगी मतलब किसी चीज को अगर मैंने 33 थ्री वन बाई थ्री परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है मतलब अगर कोई चीज तीन रुपए की होगी तो मैंने एक का प्रॉफिट लेकर चार में बेचा होगा और अगर उसे लॉस में बेचा है तो मैंने तीन में से एक का लॉस लेकर उसको कितने में बेचा होगा दो में ठीक है ये आगे हम इसको ऐसे यूज करेंगे बाकी आगे क्वेश्चन के साथ में आपको ज्यादा अच्छे से इसे समझाऊंगा है ना अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं अगला आप ध्यान रखें देखो ये समझ में आ गया किसी चीज को छह भागों में बांटने का मतलब होता है सिक्सटीन टू बाय थ्री परसेंट सात भागों में बांटने का मतलब होता है फोर्टीन टू बाय सेवन परसेंट और इनको कैसे याद करना है मत चिंता करना है ना घबराना मत मैं आपको सब याद करवा दूंगा बस देखते चलो एक बटे नौ का मतलब क्या होता है ग्यारह सही एक बटे नौ एक बटे दस का मतलब क्या होता है दस परसेंट एक बटे ग्यारह का मतलब क्या होता है नौ सही एक बटे ग्यारह एक बटे बारह का मतलब क्या होता है आठ सही एक बटे तीन एक बटे तेरह का मतलब क्या होता है सात सही नौ बटे तेरह एक बटे चौदह का मतलब क्या होता है सात सही एक बटे सात और लास्ट एक बटे पंद्रह का मतलब क्या होता है छह सही दो बटे तीन ठीक है मैं आपको टेलीग्राम पर एक चार्ट शेयर करूंगा एक पेज का दो पेज का है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और जहां भी आपका स्टडी टेबल है वहां पे लगा लेना ये वही सब इसका पूरा चार्ट में दूंगा रोज आप बस एक बार इस पे नजर भी घुमा लोगे ना तो अपने आप ये चीजें याद हो जाएंगी और आपको अभी इस चीज की ताकत पता नहीं है आपने अगर इस चीज को समझ लिया ना तो आपका परसेंटेज रेशो प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिश्रण कई सारे चैप्टर्स चुटकी बजाने जितने आसान हो जाएंगे और ये चीजें बच्चे सीखते नहीं है या, या तो कोई सिखाता नहीं है या वो सीखते नहीं है इसलिए वो परेशान होते रहते हैं और अभी आप देखना कि इनसे हम टफ क्वेश्चंस को भी कितनी आसानी से करने वाले हैं ठीक है तो देखते चलो आप आगे इतनी बात समझ में आ गई पीडीएफ मिलेगी आपको अपने विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर जाना ज्वाइन कर लेना इसके नोट्स भी मिल जाएंगे और वो चार्ट भी मिल जाएगा सारी चीजें आपको पीडीएफ और सब कुछ वही मिलेगा आपको है ना कंप्लीट चैप्टर होगा भाई कंप्लीट है ना जितने क्वेश्चंस कराऊंगा पूरा आपको अच्छे से मैं करवाऊंगा ओके है चलो इतनी बात समझ में आ गई तो फिलहाल बस मैंने आपको भी ये चार्ट बनवाया है फिर जैसे-जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे मैं आपको चीजों को याद दिलाते रहूंगा है ना? ये बात आपको समझ में आ गई अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ ठीक है और क्वेश्चन में इसको सॉल्व कैसे करना है कैसे इनका यूज करना है उसको समझेंगे तो आइए और आपको पता है कि मैं हमेशा टाइप वाइज पढ़ाता हूं है ना मैं दो चीजें हमेशा पढ़ाता हूं मतलब जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि पहला तो मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूं और हमेशा एकदम जीरो लेवल से बेसिक से मैं एडवांस लेवल की तरफ लेकर जाता हूं है ना आपको खुद धीरे धीरे लगेगा कि हाँ जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा लेवल आपको खुद फील होगा कि हाँ लेवल बढ़ते जा रहा है, है ना एक तरीका वो होता है कि पहला क्वेश्चन ही टफ दे दो पहले क्वेश्चन में ही बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन कर दो और उसको ये एहसास करा दो कि तुम्हें मुझसे पढ़ना ही पड़ेगा है ना तुम्हें मैं ही सिखा सकता हूं गलत तरीका है वो है ना कभी भी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना चाहिए तरीका हमारा सही होना चाहिए अगर हम एकदम जीरो से सिखाएंगे ना तो बच्चा सीखते भी जाता है और उसका लेवल भी बढ़ते जाता है तो कभी भी किसी क्वेश्चन को देख के अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत किया करो है ना कुछ ना कुछ गड़बड़ है कुछ ना कुछ लोचा है वहां पर चलो भाई जल्दी से आंसर बता दो मुझे इस क्वेश्चन का बता सकते हो क्या हाँ जी रोज क्लास होगी ये वेरी गुड ओके देखिए भाई किसी वस्तु का क्रय मूल्य आठ हजार रुपए है कितने रुपए में बेचा जाए कि पच्चीस प्रतिशत का लाभ हो है ना इतना आसान क्वेश्चन पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य बताओ मैं आपको इससे कि हम क्या -क्या कर सकते हैं ना? तीन तरीके सिखाऊंगा और आप उनको अच्छे से समझना आपको लगेगा सर इतने इजी क्वेश्चन में तीन तरीके क्यों बता रहे हो कभी भी छोटे छोटे क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना यह बहुत खतरनाक चीजें इन्हीं से निकल के आती हैं देखो भाई आप एक बात समझ लेना कि प्रॉफिट हो या लॉस हम हमेशा किस चीज पे कैलकुलेट करते हैं हम हमेशा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं इतनी बात समझ में आ गई तो अगर कोई चीज आठ हजार रुपए की है और मैं पच्चीस प्रतिशत लाभ कमाना चाहता हूं तो पच्चीस प्रतिशत किसका कमाऊंगा आठ हजार का ही कमाएंगे ना तो इसको कैंसिल करा इसको हल किया मतलब दो हजार रुपए का लाभ होगा तो आठ हजार रुपए की चीज को दो हजार रुपए के लाभ पर बेचेंगे मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा टेन थाउजेंड जिसका आंसर आप सभी लोगों ने दिया ठीक है एक तरीका तो हमारा भाई ये हो गया दूसरा तरीका सुनो दूसरा तरीका क्या हो सकता है मुझे एक बात बताओ मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही कहा कि क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है हंड्रेड परसेंट होता है है ना हर चीज अपने आप में हंड्रेड परसेंट होती है और मैं उसी का पच्चीस परसेंट प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो मैं क्या यहां डायरेक्ट एक सौ पच्चीस परसेंट रख दू क्या सोच कर देखो हर चीज हंड्रेड परसेंट होती है और उसका पच्चीस प्रतिशत जोड़ना है तो डायरेक्ट एक सौ पच्चीस निकाल दो ना तो सॉल्व कर लो 25 से कैंसिल होगा पांच बार ये होगा चार बार चार से कैंसिल होगा ये 200 2000 बार 2000 का पांच गुना तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ गया दस हजार ये विक्रय मूल्य आ गया समझ में आ रही है बात तो हम इसको यूज नहीं करेंगे है ना इसको कभी यूज नहीं करना अगर यूज करना ही है तो इस तरीके को यूज करना अदरवाइज आप एक और तरीका लगा सकते हो तीसरा और तीसरा आपका तरीका कौन सा वाला है रेशो वाला है इसको भी सीख लो बहुत काम की चीज है ये है ना अगर मैं बोल रहा हूं काम की चीज़ है तो मान लो मेरी बात आपको आगे समझ में आएगा कितने काम की चीजें ठीक है थीके? देखो भाई आपको पता है कि पच्चीस प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न क्या होता है एक बटे चार मैंने आपसे कहा था कि नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है और ऊपर उस पर जो भी लाभ कमाना है तो एक जोड़ दो हानि है तो एक घटा दो प्रॉफिट या लॉस तो आप हमेशा दो चीजों का अनुपात बनाओ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ये आपका क्रय मूल्य है और यह आपका विक्रय मूल्य है है ना और जिनको लग रहा है सर आगे बढ़ो तो अभी रुक जाओ अगले क्वेश्चन में आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं इतना डीप में क्यों पढ़ा रहा हूं है ना थोड़ा सा रुको और अगले क्वेश्चन का आंसर बताना फिर मुझे देखो क्रय मूल्य कितना मानोगे चार और क्योंकि प्रॉफिट लिया है ना तो प्रॉफिट है तो 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 एक 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 जुड़ेगा जुड़ेगा लॉस होता घटाते चार में तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा अब मुझे बताओ कि चार क्रय मूल्य हमें रुपए में दिया हुआ है चार का मान आठ हजार है मतलब चार से आठ हजार है मतलब ये कितना गुना है ये दो हजार गुना है तो क्या इसका भी दो हजार गुना किया जा सकता है क्या बिल्कुल किया जा सकता है उस हिसाब से उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा दस हजार आएगा है ना यह चीज अभी थोड़ी सी अगर कम भी समझ में आई है तो चिंता मत करना आगे ये और बताऊंगा मैं बार बार बताऊंगा आराम से समझ में आएगा क्लियर है बताओ जल्दी से क्रय मूल्य हमेशा कुछ भी हो जाए नीचे वाली वैल्यू आपकी हमेशा क्रय मूल्य होगी तो क्रय मूल्य अगर चार है और उस पर आपने एक का प्रॉफिट कमाया तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य है तो सेलिंग प्राइस उसका पांच ही होगा क्या इस ट्रिक से फायदा पता है क्या है कि अगर क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हो विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य निकाल सकते हो इनमें आप गड़बड़ कर दोगे पर इसमें कभी गड़बड़ नहीं होगी चार का मान आठ हजार है कई लोग सोच रहे होंगे ये कैसे किया तो अनुपात में चार का मान आठ हजार है तो एक का मान निकालते हैं अनुपात में हमेशा एक का मान दो हजार तो पांच का मान कितना तो आपका आंसर कितना आ गया दस हजार रुपए और आई थिंक यही आंसर आप सबने दिया था इस क्वेश्चन का उद्देश्य मुझे आंसर पता करना नहीं था मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं मैं आपका बेसिक क्लियर करना चाहता हूं कि क्या क्या होता है इस बात को हमें समझना है ओके है ठीक है ना समझ में आ गया सभी को वेरी गुड चलो ओके चलो अगर आपको समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो ये लो भाई बताओ जल्दी से करके प्रॉफिट एंड लॉस लगभग मान के चलो एक हफ्ता तो चलेगा भाई मैं आधा दूरा नहीं पढ़ाऊंगा ना पढ़ाऊंगा तो पूरा एकदम डीप बेसिक क्लियर करते हुए सारे टाइप कवर करते हुए तो एक हफ्ता तो कम से कम लगेगा कम से कम बोल रहा हूं दस दिन भी लग सकता है डिपेंड करेगा आप लोगों की स्पीड पर बताइए जल्दी से हाँ, मैं तो बताऊंगा ही भाई सॉल्व करके हाँ सुधा आपको अभी और समझ में आ जाएगा डोंट वरी अभी इसको रेशो मेथड से ही करना पड़ेगा जो मेथड नंबर वन और मेथड नंबर टू है अब वो फेल हो गई अब यहां पे रेशो मेथड ही लगेगी और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि चीजें सीख लो अगर जरा सा भी चेंज आया ना आप फेल जाओगे करेक्ट हाँ जी चलो भाई देखो इधर जरा क्या करेंगे आपके सामने इस बार सबसे बड़ी समस्या है ये अगर आप बेसिक मेथड से भी करोगे ना कि बारह हजार गुणा एक सौ तेईस दशमलव तैतीस प्रतिशत तो भी आपको देख के ही लगेगा कि इससे तो इसको छोड़ देंगे ज्यादा अच्छा है दूसरी बात अगर कर भी लोगे ना तो भी इनमें से आंसर नहीं आएगा आंसर लगभग में आएगा और हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना है है ना कुछ लोग बोल रहे हैं चौदह हजार आठ सौ तो लेट सी चेक करते हैं क्या आंसर है आपका देखो भाई एक बात मेरी अच्छे से सुन लो कि अगर कभी परसेंटेज कठिन दिया हुआ है अगर प्रश्न में प्रतिशत कठिन दिया है तो उसको भिन्न में बदल लो ठीक है मतलब परीक्षा लेने वाला चाहता है कि आप उसको आसान बनाओ अगर वो बच्चा जिसको इसको बदलना नहीं आता होगा या तो वो पछता रहेगा समय खराब करेगा या फिर वो इसका आंसर जल्दी ले आएगा ठीक है तो अगर आपको कभी कठिन प्रतिशत दे तो रूल नंबर वन घबराना नहीं और रूल नंबर टू कि उसको हमेशा भिन्न में बदलो कैसे बदलोगे वो मैं सिखाऊंगा आपको है ना तो आपको पता है कि तेवीस दशमलव तैंतीस प्रतिशत तो सर ने जो चार्ट बनवाया था उसमें भी नहीं था ये कैसे हो सकता है तो देखो इसको हम चेंज करेंगे मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं इसको बीस प्लस तीन दशमलव तैतीस लिख सकता हूं क्या देखो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इस प्रश्न से आपको मैं इसको तोड़ रहा हूं बीस प्रतिशत प्लस तीन दशमलव तैतीस प्रतिशत में कर सकते हैं ऐसा अब मुझे बताओ कि बीस प्रतिशत का भिन्न में मान होता है एक बटे पांच आप बोलोगे हां सर अब तीन दशमलव तैतीस का मतलब क्या होता है देखो फिर और गहराई में चलते हैं तैतीस सही एक बटे तीन का मान एक बटे तीन होता है और तैतीस दशमलव तैतीस भी इसी को बोलते हैं इसका मान भी एक बटे तीन होता है अब याद रखना अगर दशमलव खिसका दशमलव एक अंक इधर बढ़ा तो नीचे एक जीरो लग जाएगा ठीक है नहीं आया समझ देखो मैंने कहा कि 25 प्रतिशत का मान होता है एक बटे चार आप बोलोगे हाँ सर ये तो सही है है ना पर मैं बोलूंगा कि दो दशमलव पांच प्रतिशत का भिन्न में मान क्या होगा तो आप बोलोगे एक बटे चालीस अगर ऊपर दशमलव लगा तो नीचे जीरो बढ़ेगी है ना तो अगर इसको मत देखो अब तैतीस दशमलव तैतीस का मान है एक बटे तीन अगर दशमलव तो नीचे जीरो बढ़ जाएगी मतलब इसका भिन्न में मान क्या होता है एक बटे तीस ठीक है एलसीएम ले लो तीस पांच से कटेगा छह बार तीस से कटेगा एक बार इसका मान आएगा सात बटे तीस क्या समझ पाए आप बताओ जल्दी से 20 प्रतिशत मतलब एक बटे पांच इसका मतलब एक बटे तीस आएगा आपका एम और एक सात बटे तीस तो ये जो आपने तेईस दशमलव तैतीस प्रतिशत लिखा ना इसका भिन्न में मान पता है कितना आ रहा है इसका मान आ रहा है सात दश सात बटे तीस अब ध्यान से सुनना मैंने आपसे पहले ही कहा है कि सात बटे तीस का मतलब क्या है आपको पता है कि नीचे हमेशा क्रय मूल्य और ऊपर प्रॉफिट या लॉस ये तो आपको पता है फिर आप दो चीजों का अनुपात बनाओगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इतना इंग्लिश चलेगा ना हिंदी लिखने की जरूरत तो नहीं इनको बार -बार। तो आपको पता है कि क्रय मूल्य तीस होगा अगर लाभ है तो साथ जुड़ेगा हानि है तो साथ घटेगा क्या दिया है लाभ लाभ मतलब जुड़ेगा तो यह जुड़कर क्या बनेगा सैंतीस बनेगा कोई दिक्कत इसमें समझ में आ गई बात इतनी अब आप मुझे बताओ कि बारह हजार क्या है क्रय मूल्य है तो अगर बारह हजार क्रय मूल्य है तो इसमें भाग भी क्रय मूल्य का देंगे और विक्रय मूल्य पूछा है तो गुणा विक्रय मूल्य का करेंगे ओके तो सॉल्व कर लेते हैं जीरो से आपका जीरो कट गया तीन से कट जाएगा कितनी बार चार सौ बार चार सौ का सैंतीस में गुणा करो सात सौ अट्ठाईस है ना बारह और दो चौदह आपका आंसर आ जाएगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा भाई चौदह हजार आठ सौ चौदह हजार आठ सौ मतलब ऑप्शन डी और ये आंसर मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही दिया था ठीक है हाँ एक बार और बता रहा हूं डोंट वरी एक बार और बता रहा हूं समझ में आया तो कैसे हम टफ चीजों को आसान बना सकते हैं वो हमारा मेन उद्देश्य है ठीक है और मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि अपना टारगेट आंसर से ज्यादा क्या है हमारा टारगेट आंसर से ज्यादा जरूरी है उसका कंसेप्ट सीखना है ना एक ही क्वेश्चन को 50 तरीके से पूछा जा सकता है अगर कंसेप्ट सीखा तो आप वही प्रश्न बना दोगे और नहीं तो यह क्वेश्चन बहुत आसान है पर अच्छे अच्छों से नहीं बनता है ना रीजन क्या है कि उन्हें इसको हल करना ही नहीं आता यह कोई नहीं सिखाता अधिकतर टीचर क्या करते हैं दस रख देंगे फिर बीस रख देंगे फिर तीस रख देंगे बच्चे को मजा आता है कि अरे सब बन रहा है यह कोई नहीं सिखाएगा क्यों क्योंकि या तो वो आता नहीं होगा और अगर आता होगा तो फिर इसको समझाना बड़ा मुश्किल इससे बेटर है कि सिखाओ ही मत बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ा दो आसान आसान रखकर काम खत्म ठीक है चलो एक बार फिर से ध्यान से सुनो मैं क्या आपसे बोल रहा हूं हमने इसको भिन्न में बदला देखो एक बात आप समझ लेना कि अगर ऐसा कठिन प्रतिशत परीक्षा में आया है मतलब वो आपसे कुछ ना कुछ आसान बनाने की उम्मीद करते हैं अगर आपने इसको बिना कुछ करे हल करा आपका आंसर गलत आना तय है ठीक है तो जब भी कठिन प्रतिशत आए उसको भिन्न में बदलो तो आपने इसको तोड़ा इसको तोड़ा बीस और तीन दशमलव तैतीस में बीस प्रतिशत का मान एक बटे पांच होता है ये एक बटे तीस कैसे हुआ मैंने आपको समझाया तैतीस दशमलव तैतीस एक बटे तीन होता है दशमलव लगा नीचे एक जीरो बढ़ेगा एलसीएम लिया तीस पांच से कटा छह बार तीस से कटा एक बार इसका भिन्न आया सात बटे तीस और अब इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नीचे वाली चीज हमेशा क्रय मूल्य होगी प्रॉफिट है अच्छा ऊपर एक आ ऐसा जरूरी नहीं है कुछ भी आ सकता है ठीक है तो अगर सात आया है तो सात का प्रॉफिट लॉस होता तो सात माइनस कर देते मान लो अगर यहां हानि होती तो तीस में से सात घटा के हम अनुपात पता है क्या बना देते तीस अनुपात तेवीस पर क्योंकि यहां प्रॉफिट है तो मैं सेवन यहां पर प्लस करूंगा अच्छा अब अगली बात की यह क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस में भाग भी किसका देंगे कॉस्ट प्राइस का क्रय मूल्य का अगर मान लो बारह हजार विक्रय मूल्य होता तो मैं भाग सैंतीस का देता और गुणा किससे करता तीस से तो जो दिया है उसी के अनुपात का भाग देंगे क्रय मूल्य है तो भाग भी क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य है तो भाग किसका विक्रय मूल्य का ओके है ओके है ठीक है चलो और अच्छे से भी सीख जाओगे अभी मैंने मात्र दो क्वेश्चंस करवाए हैं अब आप सोचो कि जब हम 70, 80, 100 क्वेश्चंस कर लेंगे तब आपका लेवल क्या होगा इसलिए पेशेंस रखो बढ़िया तरीके से आप सीखोगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसका आंसर बताएं, लगाओ दिमाग अब आपके लिए मेन है ये वाली चीज चैलेंजिंग लगाओ जल्दी से दिमाग क्या करोगे बताओ हा देखो जो परसेंटेज का चार्ट है और जो क्लास के नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से सर्च कर लेना ज्वाइन कर लेना सारे डेली अब डेली जितनी भी हमारी क्लास होती है मैथ्स की नहीं बाकी भी साइंस की क्लास होती है इंग्लिश की क्लास होती है इनके नोट्स आपको वहीं मिलते हैं अगर आप ऐप पर हैं विनर्स की तो वहां नोट्स मिलते हैं और अगर यूट्यूब की क्लास है तो उसके नोट्स टेलीग्राम पे मिलते हैं चलो भाई अगर अच्छी क्लास लग रही है तो लाइक कर सकते हैं आप लोग है ना देखो इतने लोग देख रहे हैं और लाइक अभी कम चल रहे हैं। <laughs> यही दिक्कत है हमारे देश की ना लोग बांटने से बड़ा बचते हैं ओके भाई देखो कैसे करेंगे पहले तो इसका हमें देखो इसका मुझे टेंशन नहीं है अगर ये हल हो गया तो यह तो होना ही है, है ना आप मुझे एक बात बताओ कि 27.5 को कैसे तोड़ा जाए इसको तोड़ने के कई तरीके हैं पहला तरीका है 25 दूसरा प्लस है 20 7.5। आप दोनों से, में से कोई भी तरीका कर लेना आंसर सेम आएगा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी तो मैं मुझे लगता है कि इसे 25% 2.5 परसेंट प्लस टू में तोड़ना ज्यादा समझदारी रहेगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न मान एक बटे चार तो इसका एक बटे चालीस होगा थोड़ी देर पहले ही बताया था एलसीएम लिया से चार से कटा दस बार, से कटा बार एक बार तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई ठीक है और देखो ये सब चीजें प्रैक्टिस होने के बाद मन में हो सकती है ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं बिना लिखे भी आप बहुत सारा काम दिमाग में कर सकते हो ग्यारह बटे चालीस का मतलब क्या होगा नीचे वाली चीज क्रय मूल्य ऊपर वाली चीज प्रॉफिट या लॉस तो अगर क्रय मूल्य चालीस है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उसमें ग्यारह प्रॉफिट है ना है ना प्रॉफिट है तो प्लस होगा चालीस में ग्यारह जुड़ेगा तो कितना बनेगा इंक्वन क्लियर इतनी बात अब आपसे क्या बोल रहे हैं किसी वस्तु को अब एक चीज और आपने ऑब्जर्व करी यहां पर आपने अगर देखा हो तो इस बार ये पता है क्या है ये आपको दिया हुआ है क्रय मूल्य सॉरी ये आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है तो अगर डबल सिक्स थ्री डबल जीरो अगर विक्रय मूल्य है तो हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना है इंकावन तो उस हिसाब से क्रय मूल्य क्या होगा आया समझ में हाँ जी कमेंट दिख रहे हैं भाई सबके कमेंट दिख रहे हैं अरे ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चिंता ही मत करो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है ना क्लियर है तो 40 पर 11 का प्रॉफिट हुआ मतलब अगर चीज 40 की होगी तो उसको बेचा कितने में में गया है में बेचा गया है अब आप इससे डिवाइड कर दो तो ये डिवाइड होगा पहले कितनी बार डिवाइड होगा एक बार है ना इंकावन चला जाएगा तो बचेगा कितना 153 और ये कितनी बार तीन बार मतलब ये एग्जैक्ट तेरह बार कैंसिल हो रहा है, है ना? एग्जेक्ट तेरह के आगे दो जीरो लग जाएंगे और इसके बाद आप गुणा करोगे तेरा का चार गुना हो जाएगा बावन और ये आ गया तीन जीरो ये मिल गया भाई आपको उसका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य अब आप ईमानदारी से बताओ कि आप कैसा महसूस कर रहे हो समझ में आया तीन क्वेश्चन में हमने पूरे चैप्टर का काया पलट कर दिया और अब आपको समझ में आ गया होगा कि चीजों को आसान बनाया जा सकता है क्वेश्चन टफ नहीं होता है मेथड सही होनी चाहिए मेथड सही है तो हर चीज आसान और अगर मेथड सही नहीं है तो फिर मैथ्स तो बहुत टफ होता ही है और इस जन्म में तो हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे ये चीज हम बचपन से हमारे दिमाग में बैठा दी गई है हाँ मोहित भाई पहला दिन है इसलिए स्पीड स्लो है आज बेसिक चल रहा है बेसिक में मैं स्लो ही पढ़ाता हूं है ना उसके बाद फिर स्पीड बढ़ेगी थोड़ी और सब लोगों को लेकर चलना है। देखो मेरा मेन उद्देश्य कौन लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं आता जो एकदम मैथ से डरते हैं उनको मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना मेरा मेन उद्देश्य है इसलिए आराम से चलेंगे सबको लेते हुए चलेंगे चलो आगे बढ़े नेक्स्ट इसको तो आप कर ही लोगे आप चलो इसका आंसर भी जल्दी से बता ही दो फटाफट बता दो जल्दी से बता दो गुड हां अशोक लाएंगे वो भी लाएंगे और देखो आप में से अधिकतर लोग पता है परेशान क्यों हैं, जो आपके डाउट्स आ रहे हैं आपको डाउट तभी होगा जब आप क्लास में लेट आओगे अगर रोज छह बजे का टाइम है आप शार्प छ बजे आ जाओगे शुरू से क्लास अटेंड करोगे आपको हर बात समझ में आएगी जो लोग लेट आए हैं अब वो अभी यही पूछ रहे हैं कि सर 2.5 को आपने एक बटे चालीस क्यों लिखा अब मैंने ये समझाया है पर आप लेट आयो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है मैं बता रहा हूं 25% को हल करने पे एक बटे चार आता है अगर इनमें दशमलव आया तो दशमलव आया मतलब नीचे एक जीरो बढ़ेगी इतना समझ लो बाकी फिर वीडियो को पीछे करके देख लेना बाद में आपको समझ में आ जाएगा बोलो भाई क्या करोगे इस बार परसेंटेज आसान है चाहे तो आप इसको अब देखो अगर परसेंट इजी दिया है तो फिर अपनी चॉइस है रेशो मेथड लगा लो या डायरेक्ट कर लो है ना छियालीस हजार में बेचा आपको पता है कि 46,000 जो है विक्रय मूल्य है ये सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस के अंदर दो चीजें होती हैं कॉस्ट प्राइस और यहां क्योंकि प्रॉफिट लिया है तो ये आपको पता है क्रय मूल्य हमेशा सौ होता है और प्रॉफिट पंद्रह परसेंट का लिया है मतलब ये अपने आप में एक सौ पंद्रह परसेंट है तो हंड्रेड परसेंट क्या कैंसिल करोगे आंसर आएगा आपका चालीस हजार क्लियर है क्या पहला तरीका दूसरा तरीका आप बोलोगे सर रेशो से बताओ तो पंद्रह परसेंट मतलब पंद्रह बटे सौ पंद्रह बटे सौ का मतलब क्या होता है पंद्रह बटे सौ का मतलब होता है तीन बटे बीस तीन बटे बीस का मतलब कि अगर क्रय मूल्य बीस हो तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना होगा तीन ज्यादा तेईस इस बार क्वेश्चन में फोर्टी सिक्स थाउजेंड आपका सेलिंग प्राइस है मतलब वो क्या है तेवीस है तो क्रय मूल्य कितना होगा बीस तो ये कैंसिल होगा दो हजार बार दो हजार का इससे गुणा करोगे आंसर आपका कितना आएगा चालीस हजार आएगा दोनों मैथड क्लियर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके okay भाई अच्छा लग रहा है वेरी गुड फोर्टी थाउजेंड आंसर आएगा सी नहीं आंसर है ए आंसर है क्लियर सब कुछ गुड चलो आगे बढ़ते हैं टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं यह एक और बहुत आसान क्वेश्चन है आज की क्लास बेसिक है आज आपको लगेगा कि सर इतने आसान क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो और अभी रुको एक या दो दिन बाद आप क्लास का लेवल देखना पर पहले बेसिक मुझे क्लियर कर देने दो फिर आप देखना हा भाई विनित बिल्कुल थैंक यू विनित <laughs> थैंक यू भाई थैंक यू ओके है बताओ जल्दी से आंसर इसका किसी वस्तु को पंद्रह हजार में बेचा इसको तो नॉर्मल आपको बस करना है ऐसे सवाल पता है किसमें आते हैं जेल प्रहरी वाली परीक्षाएं कांस्टेबल हो गया एसआई हो गया इतने आसान प्रश्न आते हैं है ना हाँ अगर थोड़े दूसरे बड़े एग्जाम्स की बात करें तो उनमें लेवल थोड़ा सा हाई होता है पंद्रह हजार की चीज थी आपने उसको अठारह बेचा तो एक चौथी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि यहां पर तीन रुपए कमाए हैं और प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा बेस आपका क्या रहेगा आपका क्रय मूल्य हमेशा नीचे आप क्रय मूल्य ही रखना और गुणा करना आप सौ का हल कर लोगे क्या पंद्रह दुनी तीस बीस प्रतिशत का प्रॉफिट यहां पर है ठीक है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ओके बहुत आसान सी बात है पंद्रह हजार की चीज को अठारह हजार में बेचोगे तीन हजार का प्रॉफिट और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखना हमेशा लॉस हो तब भी हानि हो तब भी हाँ जी रोज अपनी क्लास छह बजे से चलेगी आप अपना शेड्यूल फिक्स कर लो रोज छह बजे आपको लाइव आ जाना है प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग शुरू कर चुके हैं और अब इसको पूरा खत्म करके ही रुक तब भी नहीं रुकेंगे फिर भी कुछ ना कुछ नया टॉपिक आपका आ जाएगा तो छह बजे का टाइम सेट कर लो ये आपका रहने वाला है हाँ भाई मेरी देखो नाम लेने की आदत नहीं है बार बार है ना मुझे ऐसा पर्सनल फील होता है कि नाम लेने से क्लास डिस्टर्ब होती है जो पढ़ने लिखने वाले सीरियस सिंसियर बच्चे ना वो डिस्टर्ब होते हैं तो नाम ये लेना ठीक है कभी कभी ले, लेंगे भी नाम ऐसा नहीं कि नाम नहीं लेंगे पर एकदम चिल्ला चोट करना क्लास का तरीका नहीं है बेसिकली भाई मुझे अच्छा पढ़ाना है आपको अच्छे से पढ़ना है बस दो चीजों से मतलब रखो टीचर को एंटरटेनर मत बनाओ कभी टीचर को यह मत बोलो कि सर डांस करो गाना गाओ नाचो चिल्लाओ टीचर को टीचर बने रहने दो वेरी गुड चौबीस अब देखो डायरेक्ट डिफरेंस ही ले लो तो दोनों में अगर आप देखोगे तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 3600 का है नीचे आप 24000 रखोगे कॉस्ट प्राइस और इंटू हंड्रेड कर दोगे तीन जीरो से आपके तीन जीरो कैंसिल हो गए 12 से दो बार 12 से तीस बार और दो को इससे कैंसिल करोगे 15 परसेंट का प्रॉफिट एकदम सिंपल कैलकुलेशन था आपका आंसर बी है ठीक है ना कोई दिक्कत तो नहीं है आगे बढ़ते हैं। ये लो इसको करो इससे आप फिर एक नई चीज सीख सीखोगे अभी पढ़ाएंगे स्वाति पढ़ाएंगे वो भी पढ़ा देंगे लाइव कैसे आए इसमें तो आप लाइव हो तो और कैसे आओगे लाइव ऐसे ही आना है रोज लाइव ठीक है हो गया भाई राम ने पांच हजार रुपए में घड़ी खरीदी और उसे दस प्रतिशत लाभ पर श्याम को बेच दी श्याम ने नौ से एक बेटे ग्यारह प्रतिशत लाभ पर मोहन को बेच दी मोहन ने एक बेटे पांच हानि पर रोहन को बेच दी रोहन ने घड़ी कितने में खरीदी देखो इसको मैं आपको बताता हूं है ना मैंने क्या कहा कि अगर परसेंटेज थोड़े से भी टफ आ जाए या थोड़ा भी आपको लग रहा है कि यह क्वेश्चन कठिन है तो आप मेरी बात हमेशा याद रखना परसेंटेज को फ्रैक्शन में भिन्न में बदल लेना इसका मतलब होता है एक बटे दस नौ सही एक बटे ग्यारह का मतलब होता है एक बटे ग्यारह और एक बटे पांच तो अपने आप में एक बटे पांच है प्रतिशत नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है है ना आपको पता है अगर प्रॉफिट है तो प्लस लॉस है तो माइनस ये चीज आपको पता होनी चाहिए है ना अब सुनना एक स्टेप में कैसे ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं सबसे पहले पांच हजार रुपए लिख दो है ना अब मुझे एक बात बताओ दस प्रतिशत लाभ पर बेचना दस प्रतिशत लाभ पर बेचने का मतलब है आपको पता है कि दस प्रतिशत का मतलब होता है एक बटे दस एक बटे दस का मतलब मतलब आपने दस रुपए की चीज को क्या ग्यारह रुपए में बेचा दस पर एक का प्रॉफिट लिया मतलब आपने दस रुपए की चीज को ग्यारह में बेचा तो यहां लिख दो आपने दस की चीज को पहले ग्यारह में बेचा है ना फिर आपने 9 से एक बटे ग्यारह प्रतिशत का लाभ लिया तो क्योंकि लाभ लिया है तो अभी भी प्लस करेंगे 11 पर एक का लाभ लिया मतलब आपने 11 की चीज को कितने में बेचा 12 में बेचा फिर एक बटे पांच की हानि हुई पांच पे एक का नुकसान हुआ पांच पे एक का नुकसान हुआ मतलब पांच की चीज को आपने चार में बेचा क्या इतना समझे आप है ना अब देखो सिंपल कैलकुलेट करो आपका आंसर आ गया ग्यारह से ग्यारह कैंसिल हो गया जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया पांच से ये कैंसिल हो गया आपका सौ बार बार चौक अड़तालीस आपका सीधा आंसर आ गया कि आखिरी वाले व्यक्ति को वो घड़ी या वो वस्तु कितने रुपए की पड़ी चार अड़तालीस सौ की ये आपका आंसर है ठीक है ऑप्शन बी बताइए भाई समझ में आया ठीक है एक बार फिर से मैं बताता हूं समझ लो एक बटे देखो दस परसेंट का मतलब क्या होता है एक बटे दस दस परसेंट का मतलब होता है एक बटे दस एक बटे दस का मतलब यह है कि अगर प्रॉफिट होगा तो एक जुड़ेगा हानि होगी तो एक घटेगा है ना तो अगर दस की चीज को ग्यारह में भी बेच सकते हैं और लॉस होगा तो नौ में बेच सकते हैं अगर प्रॉफिट है तो दस की चीज ग्यारह में लॉस होगा तो दस की चीज नौ में यह लिखना और सीख लो और नहीं आता है तो ऐसा समझ लो कि ऐसा हम उसको लिखेंगे और एकदम आसानी से आपका आंसर आ जाएगा ओके वेरी गुड ठीक है समझ में आ गया सभी को यहां तक तो जो मैंने आपको एक जो चार्ट बनवाया है ना उसको अच्छे से देख लेना है ना उसको रटना मत आप बस उसको रोज पांच मिनट का टाइम निकाल के बस एक बार पढ़ लिया करना अपने आप याद होने लगेगा है ना दो तीन तो आज ही याद हो जाएंगे और अगली दो या तीन क्लासेस में आपको पूरा याद हो जाएगा बिना रटे बस एक बार देख लेना और जैसे जैसे हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको वो चीजें याद होने लगेंगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है फिर इसको हम सॉल्व करेंगे हर्षिता रोज लिंक तो खैर टेलीग्राम पे मिलेगी बाकी रोज छह बजे क्लास अपने आप लगनी है तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर नहीं भी करा है तो छह बजे रोज चैनल पर आ जाना हाँ टेलीग्राम पे नोट सभी मिल जाएंगे आपको रोज छह बजे लाइव रहेगी भाई रोज छह बजे पलक कोई दिक्कत नहीं अच्छा हो जाएगा आप बस पढ़ते चलो साथ में हो गया जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना ये हर एग्जाम के लिए भाई एसएससी हो बैंक हो एसआई SI हो है ना कांस्टेबल हो जेल प्रहरी दिल्ली पुलिस हर एग्जाम के लिए रेलवे सबके लिए है ये हाँ, विनर्स की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो विनर्स के नाम से मिलेगा उसमें पेड कोर्सेस चलते हैं देखो एक व्यापारी एक लाख पच्चीस हजार में कुछ वस्तुएं खरीदता है इसमें से तीन बटे चार भाग पर आठ प्रतिशत लाभ तीन बटे चार भाग पर शब्द हटा दो तीन बटे चार भाग आठ प्रतिशत लाभ पर बेच देता है और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे कुल सात प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो ठीक है अब मैं आपको बहुत शानदार तरीका इसका बताऊंगा और आपको मजा आ जाएगा आप जो लोग पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं वो आश्चर्य करेंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या है ना एक लाख पच्चीस हजार रुपए आपको जो दिया हुआ है सबसे पहले तो आप इसको साइड कर दो मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसमें इसकी जरूरत ही नहीं है ठीक है आपसे वो बोल रहे हैं कि तीन बटे चार भाग पर तीन बटे चार भाग पर आठ प्रतिशत लाभ कमाया ठीक है शेष पर कितना लाभ कमाएं शेष मतलब जो रिमेनिंग है उस पर कितना लाभ कमाएं यह हमें निकालना है ताकि कुल मिलाकर कितना लाभ प्राप्त हो सात प्रतिशत मुझे एक छोटी सी बात बताना आप आपको पता है कि कभी भी भिन्न अगर किसी भी प्रकार का लिखा हो अगर मैं एक साधारण भिन्न की बात कर रहा हूं अंश बटे हर की है ना ये प्रतिशत नहीं है यह एक भिन्न है हमने प्रतिशत को बदला वो अलग चीज है कभी भी अगर कोई भिन्न लिखा है तीन बटे चार का मतलब क्या होता है तीन बटे चार का मतलब होता है कि अगर हमारे पास टोटल चार चीजें हैं तो उसमें से उसका हिस्सा उसका पार्ट अगर एक नॉर्मल भिन्न लिखा है तो लाभ हानि से हटकर बात कर रहा हूं मैं है ना लाभ हानि में अगर ये चीज होगी तो ये क्रय मूल्य है और ये प्रॉफिट है लॉस है पर एक अलग भिन्न की हम बात करें तो तीन बटे चार का मतलब क्या होता है कि अगर टोटल मेरे पास चार पेन हैं तो मैंने कितने बेचे तीन तो बचा कितना एक समझ रहे हो बात तो ध्यान से समझना मेरे पास टोटल कितनी चीजें हैं चार उसमें से मैंने बेची कितनी उसमें से मैंने सेल कितनी करी तीन चीजें तो मेरे पास शेष कितनी चीजें बची मेरे पास रिमेनिंग कितनी चीजें बची तो आपका जवाब होगा एक इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को तीन बटे चार का मतलब ध्यान से सुनना मजा आएगा भी टोटल चार चीजें हैं उसमें से तीन बेची बची एक चार में से तीन बेची बची एक तीन बटे चार पर मैंने आठ प्रतिशत लाभ कमाया मतलब तीन चीजों पर मैंने आठ प्रतिशत लाभ कमाया मतलब कितना लाभ कमाया होगा चौबीस है ना जबकि मैं कुल सात प्रतिशत लाभ कमाना चाहता हूं, तो हूं मतलब तो टारगेट है कि मैं अट्ठाईस प्रतिशत लाभ कमाऊं उसमें से मैंने कितना कमा लिया है उसमें से मैंने चौबीस प्रतिशत कमा लिया है तो मुझे जल्दी से बता दो मुझे कितना लाभ और कमाना है चार परसेंट यह आंसर है आपका सी कितना लाभ कमाना और बचा है फोर परसेंट बताओ समझ में आया है ना टोटल चार चीजें हैं जिस पर मुझे सात प्रतिशत लाभ कमाना है मतलब टोटल मुझे कितना कमाना है अट्ठाईस प्रतिशत चार चीजों पे सात प्रतिशत लाभ कमाना है टोटल अट्ठाइस प्रतिशत लाभ कमाना है तीन चीजों पर मैं आठ प्रतिशत कमा चुका हूं मतलब चौबीस प्रतिशत मैंने कमा लिया है तो बचा कितना चार, चार मुझे कमाना है बची हुई चीजों पर इतना सा सवाल आपसे पूछा गया था आया समझ में जल्दी से बता दो भाई समझ में आया है ना मान लो जैसे मान लो आपके पास लिखा होता अभी ऐसे और सवाल करवाऊंगा मैं आपको डोंट वरी अगर आपके पास कभी लिखा है चार बटे पांच चार बटे पांच का मतलब क्या है कि टोटल पांच चीजें हैं उसमें से कितनी चीजें चार तो बची कितनी एक अगर कभी आपके पास लिखा हुआ है सात बटे नौ इसका मतलब क्या है कि टोटल नौ में से सात बेची तो बची कितनी दो तीन बटे चार का मतलब है कि मैंने तीन चीजों पर आठ प्रतिशत कमाया तीन पर आठ कमाया मतलब चौबीस कमाया जबकि टोटल कितनी चीजें हैं मेरे पास टोटल चार चीजें चारों पर मैं सात प्रतिशत कमाना चाहता हूं मतलब मैं अट्ठाइस कमाना चाहता हूं चौबीस कमा चुका हूं चार और कमाना है दैट्स इट बता दो जल्दी से कोई दिक्कत है अच्छा लगा तरीका ओके है करेक्ट ठीक है, चलो तो अच्छा एक बात मैं आपको आगे और बता देता हूं है ना अभी आपकी YouTube पे कई सारी क्लासेस चल रही हैं, डेली आपकी साइंस की क्लास चल रही है अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ अभी मेरे जस्ट अब मैथ्स की क्लास आपकी अभी रेगुलर चलने वाली है और मैथ्स के बाद आपकी इंग्लिश की भी क्लास लगेगी अभी जस्ट मेरे बाद जैसे आज छह से सात आपकी मैथ्स की क्लास हो गई ये रेगुलर रहेगी रोज रहेगी आपकी ना इंग्लिश की क्लास अभी आपकी सात बजे से आठ बजे तक इंग्लिश की क्लास रहेगी मॉर्निंग में आपकी नौ बजे से लेकर दस बजे तक साइंस की क्लास थी ये दो तीन क्लासेस तो आपकी रेगुलर चलने वाली है, है ना इन्हें आप अटेंड कीजिए और ये कॉमन है हर एग्जाम में ये सारे सब्जेक्ट कॉमन है रेलवे की आप तैयारी कर रहे हो जेल प्रहरी की दिल्ली पुलिस की किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो एसआई की कांस्टेबल की ये सब का सब आना है है ना तो फ्री क्लासेस चल रही है इन्हें अटेंड करो और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें पूरा बैच ज्वाइन करना है सिस्टमेटिक पढ़ना है तो मैं आपको कुछ और डिटेल्स भी दे दूंगा है ना एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं इसके आगे हम कल करेंगे क्योंकि अभी नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास का टाइम हो रहा है तो ये आपका होमवर्क रहेगा और ये आपको कहां मिलेगा मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर आप टेलीग्राम पे जाना विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करना विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर अपनी चैनल आपको मिलेगी वहां पर सारे नोट्स मिल जाएंगे ठीक है इसके अलावा आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में यह देना चाहता हूं कि अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी करना चाहते हो तो विनर्स की ऐप पर कंप्लीट कोर्स चल रहा है वन ट्रिपल नाइन में एक हजार नौ सौ निन्यानवे में आपको पूरा कोर्स मिलेगा ऑल सब्जेक्ट उनकी टेस्ट सीरीज उनके नोट्स पीडीएफ सब कुछ है ना रिकॉर्डेड सेशंस लाइव सेशंस डाउनलोड दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो 1450 में आपको सारी सुविधा मिल रही है सारे सब्जेक्ट आपके इस पे लग रहे हैं इसके अलावा बैंकिंग का फाउंडेशन बैच हमारा एक 15 तारीख से आ रहा है जिसमें 15 एग्जाम की तैयारी हम एक एग्जाम एक, एक बैच से करवा रहे हैं दूसरा रेलवे का बेच चौदह तारीख से सोमवार से चालू हो रहा है ट्रिपल नाइन में उसमें आपको मैथ साइंस कंप्यूटर रीजनिंग सब कुछ करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा ये सब आपको विनर्स की ऐप पर मिलेगा यूट्यूब पर तो क्लासेस चली रही हैं यहां तो हम आपको पढ़ाएंगे पर देखो यूट्यूब पे दिक्कत क्या होती है कि आपका टेस्ट नहीं ले सकते नोट्स देना है तो टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा है ना क्विज आपसे लेना है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है तो केवल पढ़ाया ही जा सकता है बाकी एक सिस्टमेटिक कोचिंग जैसा जो फील है क्लासरूम जैसा जो फील है तो अगर आप चाहें देखो अगर थोड़ा बहुत भी आप केपेबल हैं कि हाँ हम थोड़ा अफर्ड कर सकते हैं क्योंकि आप समझिए फीस हमने ऑलरेडी बहुत कम रखी है है ना और और क्वालिटी में 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 आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स खुद पढ़ा रहा हूं इन सारे आ, में और बाकी सारे बैचेस बाकी फैकल्टीज हमारे पूरे एक्सपर्ट हैं तो ये सारा आपका चल रहा है, है ना सभी बैचेस में आपको लाइव क्लासेस मिलती है रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं नोट्स मिलते हैं पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट सीरीज मिलती है वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन है अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो वीडियो को डाउनलोड कर लो है ना और प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको मिलता है और यह सुविधा हर बैच में है जेल प्रहरी दिल्ली पुलिस बैंकिंग और आपका रेलवे सब में आपको यह सुविधा मिलने वाली है तो इसके लिए आप एप डाउनलोड कर लीजिए विनर्स इंस्टीट्यूट वहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी ओके okay, सो so आज के लिए बस इतना ही आपके साथ मुझे शेयर करना था बाकी नौ बजे मैं विनर्स की ऐप पर जो नए कोर्सेज आने वाले हैं उसके लिए फिर से नौ बजे लाइव आऊंगा अभी मेरा साढ़े सात बजे मैथ्स का फाउंडेशन बैच है मेरा एक बैच चल रहा है जो सेवन मंथ्स का ओनली मैथ्स का कोर्स है है ना अकेले प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में मैंने उस बैच में लगभग एक सौ पचास क्वेश्चन कराए हैं तो एक फाउंडेशन बैच अलग चल रहा है पर अब थोड़ा सा आगे निकल गया है तो कैसी लगी आज की क्लास ये मुझे जल्दी से बता दो और अगर लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करके जाना और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और क्या बचता है सब्सक्राइब कर लेना है ना मुझे याद नहीं रहती है चीजें ज्यादा ओके चलो भाई सो रेगुलर यूट्यूब पर फ्री क्लास आ रही है अपनी छह बजे रोज क्लास रहेगी तो रेडी रहो और मुझे यह बताओ कि कितने लोग कल से एकदम टाइम पर छह बजे आ जाएंगे ये और मुझे बता दो जल्दी से ओके थैंक यू भाई आप लोग के इतने अच्छे अच्छे प्यार भरे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू हाँ, बैंकिंग का जो कोर्स है वो चार से पांच महीने का है फाउंडेशन है नौ बजे अगर आप बैंकिंग और रेलवे की डिटेल सारे बैचेस की डिटेल्स चाहते हो ना तो मैं नौ बजे लाइव आने वाला हूं आज उसमें सारे बैचेस की इंफॉर्मेशन डिटेल में दूंगा वहां आप अपने क्वेश्चन कर लेना ठीक है ओके भाई थैंक यू चलो तो अभी आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है कल वापस छह बजे मिलेंगे तब तक ध्यान रखिए सब लोग अपना टाटा बाय बाय गुड नाइट Take care. Thank you.